गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज का सीन आज पानी नहीं आ रहा है, बर्तन बर्तन ऐसे पड़े हुए कोई काम नहीं, बोतलें खाली पड़ी हैं, घर का सारा काम पड़ा है। और अब मैं जा रहा हूँ छक्के देखने, मेरी चप्पल कहाँ है या ओ बेटे बस गेट खुलते ही इसकी एंट्री सबसे पहले होती है। हाँ ऊपर आ गया, जाओ अंदर चलो। ऊपर भाग गया, पियूष राय जरा इसको पकड़ी, जरा मैं जा रहा हूँ छत पे, इसको पकड़ ले। देखो ऊपर आ गया, मेरे पीछे देखे आ गया, ऊपर ले जा इसको, पकड़ के ले जा इसको, छत पे जाता हूँ देखता हूँ। कह रही मैडम मैडम ये पानी आया है, ले जा इसको, लेके जा पकड़ के लेके जा, देखते जरा पानी की मोटर भी बोल रही है, लड़की भर गई है, पानी के लिए इनकी तो ढकी पड़ी है मेरी ऊपर है। बाबूजी ने छत्ते क्या क्या लगा रखा है, हमारे ऊपर फोर्थ फ्लोर पर रहता है बंदा, टंकियाँ काट काट के क्या क्या लगा रखा है, गंद मचा रखा तो नहीं हो रहा। ये देखो वहाँ से वो जीना रखा है ना, उस जीने से मैं ऊपर चढ़ूँगा, देखता हूँ पानी क्यों नहीं आ रहा। चढ़ गया हूँ गाइस, ऊपर तो मैं चढ़ गया हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये तो है हमारे फोर्थ फ्लोर वाले की, अभी इसको भी खोल के देखता हूँ। ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की टंकी है, ठीक है, ये हमारी सेकंड फ्लोर की टंकी है। देखते हैं कि ये पानी ना होते हुए क्यों बोल रही है कि आपकी टंकी भर गई है। देखो खाली पड़ी है ये बिल्कुल, और ये क्यों बोले जा रही है मेरी समझ नहीं आ रही है। इसका तार भी बिल्कुल सही लगा हुआ है, तार पे पानी टच हो रहा है और कुछ नहीं है, ओके रिपोर्ट है। इसके अंदर ही पानी नहीं है, और इसके अंदर ही पानी नहीं है यार, सिल्ली लगाना गलत है इसको। अब बारी है इसको खोलने की, बाबूजी की टंकी भरी हुई है कि नहीं भरी हुई देखते हैं। मेरी मैडम कह रही थी ना इसकी टंकी भरी हुई है, देखते हैं। हाँ पानी आया है रात को, या तो इसने हमारी टंकी से भरा है। इसके पास पानी है, क्या रहेगा बुला के, क्योंकि पानी एक के आ रहा है तीन के नहीं आ रहा, सोचने वाली बात है क्यों नहीं आ रहा है, क्या सेटिंग कराएगी देखते हैं। दो दिन हो गए पानी को दुखी होते, बहुत दुखी हो गया यार, पानी ना होना तो सारे काम रुक जाते हैं, कुछ भी नहीं होता कुछ, और बिल्कुल भी पानी नहीं करके मैं बिल्कुल नहीं, क्या करें, सोचने वाली बात है, एक के आ रहा है तीन के नहीं आ रहा। गाइस ये देखो पानी की बोतल दो भर के ले लिए मैंने, मेरा सामने प्लांट यहाँ से भरवाई है, और अब चलते हैं मिलेंगे सीधा घर पे। बहुत दिक्कत हो रही है पानी की यार, अगर ये मेरे ऊपर आया ना तो बहुत पिटाई होगी। नखून है ना बड़े हो गए, नखून बड़े हो गए, मत कर बंगे, इंजेक्शन लगाने पड़ जाएंगे, हाथ कटवा रही अपना, ये कह रही हूँ मैं, अब मत करो बेटा मत कर, हाथ काट ले कट जाएगा, ये कटवा ले इससे कुछ नहीं हो रहा, ये भी तो कम नहीं है, ये भी तो बड़ा बड़ जैसे बड़ा हो रहा था, शैतान होता जा रहा था। तो गाइस ऐसा है प्रोग्राम आज का कि अब मैं जा रहा हूँ, मम्मी पापा मैं हम जा रहे हैं हिमाचल। हिमाचल के अंदर क्या है, हिमाचल में मेरा छोटा भाई है, रियल सगा भाई है, तो उसने बना रखा है रिसोर्ट, रिसोर्ट बना, मैं कभी गया नहीं हूँ, बना रखा उसको, तो 4-5 साल हो गए। चुप हो जाओ दो मिनट, पब्लिक को बता दो मेरे क्या चल रहा है, शोर मचा रहे हो, गाइस को बताने दे रहे। तो गाइस अभी मैं आपसे जिस बारे में बात कर रहा था तो वो ये था कि मैं अब मम्मी पापा के साथ जा रहा हूँ हिमाचल, जहाँ पे मेरे छोटे भाई ने एक रिसोर्ट बना रखा है, मैंने भी नहीं देखा पहले, मैं पहले कोई गया नहीं, मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ, और रिसोर्ट है कैफ़े है जो भी है, हम फोटोज़ वगैरह इंस्टाग्राम पे ही देखते हैं, वीडियोस वगैरह में देखते हैं। तो अब भाई का कोई कॉन्टैक्ट हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो वो उनको ट्रैक कराने कोई स्टूडेंट के साथ जाएंगे, वहाँ से उनको कोई स्टे करने के लिए बंगलो वगैरह या फिर कोई जगह मिल रही है एक जंगल के अंदर, तो मुझे भी कह रहे हैं कि तू आ मेरे पास आ जाओ और वीडियो वगैरह बनानी हो, तो मैंने चलो ठीक है थोड़ा दिन देखते हैं जाते हैं, बाकी उनका रिसोर्ट भी संभालना है, वहाँ पे रहना करना कैसी लाइफ है, और अभी तो अपने दिल्ली के अंदर ही बारिश चालू हो चुकी है,
दिल्ली के अंदर इतना मौसम इतना बढ़िया हो गया ना, तो फिर भी कोई बात नहीं। जब और जब दिल्ली के अंदर इतना बढ़िया मौसम हो गया तो सोचो फिर वहाँ पे क्या हाल होगा। तो मैं भी वही जाने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि अभी छोटे भाई की लिस्ट आई हुई है, काफ़ी सामान हैं और काफ़ी सामान है जो लेके जाना है मेरे को अपने साथ। और दूसरी चीज़, भाई छोटे भाई ने मेरे टैटू का काम भी शुरू करा है, टैटू बनाने का, क्योंकि वो आर्टिस्ट तो है ही है। पीछे पेंटिंग देख रहे हो, ये देखो, ये मेरे छोटे भाई ने बनाई है। और देखो, और दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये वाली भी ना छोटे वाले भाई ने बनाई है। बहुत सी चीज़ें, क्या नया पानी नहीं है घर में, बहुत अच्छा बना रखा है। तो भी बहुत से सामान की लिस्ट आई हुई है, वो मुझे परचेज करना है। बारिश आ गई है बट मैं बाहर नहीं जा सकता, तो वो सामान परचेज करूँगा, सब कुछ आपको दिखाऊँगा और सब कुछ सामान परचेज करूँगा। देन उसके बाद फिर यहाँ से निकलने का प्रोसेस होगा, बस में जाएंगे, बस में ही जाएंगे। वॉल्वो करेगा भाई, कह रहा वॉल्वो करा दूंगा, तो मम्मी पापा के साथ जाएंगे और आपको आगे की वीडियो देखने को मिलती रहेगी। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहना, मैं ही जाऊँगा मम्मी पापा के साथ। अभी फ़िलहाल बारिश आ रही है, तो अभी सामान वामान जो परचेज करूँगा आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान लेना, काफ़ी सामान है गाइज। अभी का सीन ऐसा है कि अभी जाने का प्लान बन रहा है, शॉपिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत अभी हो गई है, थोड़ी बहुत अभी करूँगा। और जो फ़ोन कल ख़राब हो गया था नेहा का, तो वो फ़ोन मैं सोच रहा हूँ इसको ठीक करा दूँ, क्योंकि पीयू के ना स्कूल का मैटर है, स्कूल के सारे असाइनमेंट वगैरह, उसके एग्ज़ाम के, टेस्ट के, और जो तैयारी करानी होती है, तो वो कांटेक्ट होता रहता है क्लास टीचर से, ग्रुप के अंदर, और ट्यूशन टीचर से। तो वो जैसे मेरे पीछे से थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, क्योंकि अभी फ़ोन ख़राब है, फ़ोन ठीक नहीं है, तो अभी दिक्कत हो रही है, मेरे फ़ोन से ही हो रहा है। तो अभी मेरे पीछे से अगर होगा तो कैसे करूँगा, तो वो फ़ोन ठीक कराना पड़ेगा मजबूरन। तो 5 मिनट का गफार का पास में ही रास्ता है, पीछे गफार मार्केट है। तो फ़ोन अभी अंदर, मैडम हमारी शायद सो रही है, लेट रही है, पता नहीं मेरे को, मैं रेडी हो गया हूँ निकलने के लिए, क्योंकि मेरे को 2-3 काम निपटाने हैं और कल भी मेरे पास बहुत काम है। मे भी शाम तक की कल की टिकट है बस की, वो देखते हैं भाई ने कन्फर्म कराई नहीं कराई, देखते हैं वो क्या है क्या नहीं। बट अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं, देखते हैं, मांगते हैं उससे कि फ़ोन दे, देखते हैं। सॉरी होगी, अरे वो दे दो, फोन दे दो मेरे को, जो तुम फोन ठीक कराने के लिए कह रहे थे रखा है। देव निकाल के फटाफट, अलमारी में रख दिया है फोन, देखो मैसेज आ रहे थे। चालू है ये, चालू है। इसके अंदर बैटरी चार्ज कर रखी थी, चली ये देखो, ये है फोन, इसकी चालू है शायद, मे भी स्क्रीन इसकी चालू है, इसके फोन वोन भी आ रहे हैं बट इसकी स्क्रीन चली गई है। गाइज ये देखो, सेम मॉडल के ना दो मोबाइल हैं, ये एक मोबाइल है मैडम का हमारी, और एक सेम मॉडल का पहले मैंने भी ले रखा था। देखो ये पहले ख़राब हुआ था, इसको कम से कम 1 साल हो गया, 1 साल ज़्यादा हो गया ना, 2 साल हो गए ना, इसको 2 साल हो गए, हाँ 2 साल। दोनों ना सेम मॉडल के फ़ोन है, तो सेम मॉडल की मैंने तो नया ले लिया था, और ये अभी अभी ये दोनों की सेम डिस्प्ले प्रॉब्लम है, एक डिस्प्ले टूटी है, तो उसकी भी डिस्प्ले ख़राब हुई थी पानी जाने से। तो अभी वो ना लेके जा रहा हूँ कि दोनों, ये ऑन है, ये ऑन नहीं हो रहा था, तो अभी चेक करते हैं इसे एक बार, में लपेट लेता हूँ उसको, इसमें लपेट के और लेके चलते हैं इसको। ये रही स्कूटी की चाबी, चाबी उठाओ, अब इसको लेके चलते हैं ठीक कराने के लिए। अभी निकाल दे, देखो मैसेज भी आ रहा है इसके अंदर। चलो ठीक है, मैं कराता हूँ ठीक, अभी एक दो काम है वो भी फ्री करते हैं, फिलहाल निकलते हैं, क्योंकि अभी फिर और भी काम है मेरे पास ना, पीयू की वैन भी लगानी है, उसके उससे भी मिलना है मेरे को, वैन वाले उसकी वेरिफिकेशन भी करानी है, बहुत से काम है, करता रहूँगा, अभी बताता रहूँगा क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है ना। और कोई काम तो नहीं है ना, मैं बता देना मेरे को फोन करके, ओ फोन था ही नहीं, करेगी काम पे। ये गली मैंने आपको एक बारी पहले भी मेरे ब्लॉग में दिखाई हुई है, जो कि पीछे मार्केट के गली है, मैं वहीं लगाता हूँ सेफली गाड़ी। अभी भी फ़िलहाल मैं वहीं आया हूँ मार्केट के अंदर, अभी चलते हैं, फ़ोन दिखाते हैं पहले, तो फ़ोन ठीक हो जाए बस आज की डेट में। Addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Thank you.
नहीं फोन वोन ठीक नहीं, फोन ठीक ही नहीं हुआ अभी, फोन ठीक नहीं हुआ। हालत देख रही मेरी कैसी हो गई, गर्मी में बुरा हाल हो गया। चला एप्पल एप्पल की वो करते हैं, एप्पल की अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरा ये अनबॉक्सिंग तो कर दे इसकी, ये नहीं हो रहा यार इसके अंदर वाले ना। मैंने अपना नहीं कराया क्योंकि बहुत महंगी आ रही है इसकी डिस्प्ले। क्यों उसमें क्या प्रॉब्लम? एक नहीं है ठीक दोनों, बट मैंने ना एक करवा दिया, देखो ठीक हो गया बिल्कुल। इसके ऊपर रबड़ करके दिए तुम्हारे सामने, हाँ मैं खड़े होकर करवाया, रबड़ लगा हुआ है और ये मैंने ऐसे लिया, अभी इसको खोलेगी तो क्या हो गया। एप्पल आईफोन थोड़ी है, ये एप्पल ही है हमारे लिए फिलहाल, गरीब आदमियों के लिए एप्पल ये। बाबू देख फोन आ गया, ऐसे करो हाँ हाथ अड़ा, ये वो थोड़ी है हाँ तो उसको एप्पल थोड़ी है, एप्पल ये तो दिखा दे, एप्पल ही हमारे लिए, तो खोल ले इसका पन्नी, तो हटा हटाना पड़ेगा हाँ ये हाँ हटा दे। स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है? नहीं लगा, कल लगवा दूंगा ना, तो चला चला ही कैसे फिर इसको। डायमंड है, खुश हो गई कितनी। ये देखो गाइस ये कर दिया इसका फोन बिल्कुल ओके, रिपोर्ट बिल्कुल। ऐसे चेंज क्यों लग रहे हैं, ब्लू ब्लू से? वो ऐसी आती है इसकी ना दूसरी वाली, इसके अंदर ये दोनों ठीक नहीं हो पाए, एक ही ठीक हो पाया क्योंकि कॉस्टली आ रही थी इसकी काफी। ठीक है हालत मेरी देखो कितनी बुरी हो चुकी है, और अब मैं नहाऊंगा नहा धो के, और भी काम थे वैन वाले से भी कर लिया मैंने उससे, और मैं फिलहाल नहाऊंगा। ठीक हो गया वो राज नहीं आ रहा क्या? क्या पुराना लग रहा है? जो ओरिजिनल होती है, जो लगी हुई आती कंपनी से वो ओरिजिनल होती है, और जो वो होती है ना। थैंक यू बोलने का तो है नहीं, थैंक यू बोल दो तो करा दिया फोन ठीक। थैंक यू भैया। गाइस अब सारा हो चुका है, फ़ोन भी ठीक हो चुका है, और ये देखो बाहर बारात जा रही है, पता नहीं किसकी जा रही है, और ये दाना हो गया नाक पे मेरे, पता नहीं कैसे दिमाग खराब। अब और पीयू के वैन वाले का भी कंफर्म कर दिया, उसका भी डॉक्यूमेंट्स ले लिया, उसकी भी वेरिफिकेशन कर लिया तरीके से, अब वही पिकअप करेगा, वही ड्रॉप करेगा, बट ड्रॉप मैं करूँगा, पिकअप करेगा बस वो, फिलहाल कल कल करेगा क्योंकि कल मेरे को थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में काम है। चाय आ गई, शक्ल देख लो चाय की कितनी बढ़िया चाय बनी हुई है, चाय पीएगी उसके बाद। अभी कल भी बहुत काम है, मेडिसिन वगैरह लानी है, कल भी बहुत सारे काम है। फिलहाल तो मैं कर रहा हूँ एडिटिंग, और एक देखो जी क्या बना है खाना, क्या बन रहा है? चावल, वाह ये सांबा चावल इसलिए बन रहा है क्योंकि फोन ठीक कराया ना मैंने, इसलिए मेरा फोन ठीक करा दो सांबर चावल बना दोगे ना। मैं बन रहा है बस, दुनिया बड़ी तेज है भाई, बोला सांबर चावल मैंने जो कह जो खाओगे बना दूंगी, मेरा फोन ठीक करा दो, मैंने फोन ठीक करा दिया, अब सांबर चावल बन रहे। टिट फॉर टैट है कोई भी हो, मैं इतने महीनों से बोल रहा हूँ मतलब ही नहीं बन जाए, आज फोन ठीक हो गया। अभी मेरे को कम से कम 3000 रुपये का सांबर चावल पड़ गए, 3,3200 रुपये, बताओ क्या करें। गाइस अब ऐसा है जो मैं बता रहा था, जाना है भाई के पास सारी, ये देखो रात को मेरा नाखून लग गया, इस पर ब्लड वगैरह जमा हो गया, तो मेरी हालत देखो कैसी हो रही है, तो कटिंग वटिंग अभी कराने जा रहा हूँ, पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है मेरी सारी, और शेप वगैरह तो ऐसे रखूँगा, बाकी कटिंग कराऊँगा मैं, पैकिंग वगैरह पी हुए यहाँ पर पड़ रही है हमारी। ठीक है बाबू पढ़ाई करा मेरा बेटा, आज सैटरडेज की छुट्टी है, और ये पैकिंग ऑलमोस्ट मेरी सारी कंप्लीट हो चुकी, और अभी फ़िलहाल बस मैं कटिंग वगैरह कराऊंगा, कटिंग कराऊँ नहीं कराऊँ है ना, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, और बस उसके बाद नहाऊँगा दूंगा। एक दो सामान है, बाकी सब सामान आ चुका है जो लेना था, बस एक दो सामान कड़ी पत्ता वगैरह रह गए, कड़ी पत्ता वगैरह ले लूँ, और एक दो आइटम और बोली है भाई ने वो इकट्ठी कर लूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ, क्योंकि काम बहुत है और जाना है, और आज शाम की ही हमारी बस है, कश्मीरी गेट से जाना है, और यहाँ से ऑटो करके जाएंगे, ऑलमोस्ट 4 बजे निकल जाएंगे। फिलहाल अभी सामान वगैरह मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, और अपनी शक्ल जरा थोड़ी सी सही कर लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो मैं आपको सामान वगैरह ले लूँ, जब निकलेंगे फिर आपसे मिलता हूँ। गाइस अब मैंने रेडी हो गया हूँ, शक्ल से कैसी हो रही है अभी, काला भी लगा हुआ, बाबू खा रहा है खाना। चलो गाइस अब मैं निकल रहा हूँ, और ये सामान वगैरह मेरा तैयार है, मेरा बैग एक बैग मेरा डस्टबिन भी मंगाया भाई ने, ये लेके जा रहा हूँ, बाकी मेरे पीछे एक बैग टका हुआ, एक बैग ये है। अभी बस लेट हो गया, 4 बज गए, 5 बजे की बस है हमारी, निकलता हूँ फिलहाल।